ये सेल S A I L सेल है क्या? नहीं, SAIL एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील के क्षेत्र में, इस्पात के क्षेत्र में कंपनी है। तो इसकी अध्यक्ष, जो नई अध्यक्ष होगी वो सोमा मंडल। अभी कौन है? अनिल कुमार। तो अनिल कुमार का कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो जाए, 1 जनवरी 2021 में सोमा मंडल पदभार संभालेंगे। अभी वर्तमान में सोमा मंडल क्या है? सोमा मंडल निदेशक वाणिज्यिक पद पर कार्य कर रही है। तो यही है सोमा मंडल, ये है सोमा मंडल, ठीक, यही है सोमा मंडल। तो सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष होगी। मौजूदा समय में सोमा कंपनी की निदेशक वाणिज्यिक के पद पर काम कर रही है। नई दिल्ली में क्या हुआ था? एक बैठक हुआ था नई दिल्ली में, सेल की नई चेयरमैन पद के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू हुआ था, जिसमें इसका साक्षात्कार कौन लिया? लोक उद्यम चयन समिति ने सोमा मंडल को चयनित किया है। तो अब समिति क्या करेगी? समिति या फाइल कैबिनेट को भेजेगी, जहां अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद सोमा मंडल का नाम औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? अनिल कुमार 31 दिसंबर 2020 को अपने पद से रिटायरमेंट हो जाएंगे, जिसके बाद 1 जनवरी 2021 से सोमा मंडल अपना कारोबार संभालेगी। तो जान लेते हैं सोमा मंडल के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो सोमा मंडल का प्रस्तावित नाम काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि PSU की अध्यक्षता करने वाली महिलाओं की संख्या काफ़ी कम रही है। तो साल 2017 में सोमा मंडल ने निदेशक वाणिज्यिक पद पर काम करना शुरू किया था। सोमा मंडल ने NIT राउरकेला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, और 1984 में उन्होंने एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी कौन है? नालको को ज्वाइन किया था। और कुछ जान लेते हैं। तो ये महारत्न कंपनी है। कंपनी सेल में सोमा मंडल 30 अप्रैल 2024 तक कार्य कर सकते, इसके बाद वो रिटायर हो जाएगी। और सोमा मंडल 2017 से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल से जुड़ी हुई है।